बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी इंस्टेंट रेमेडी जिससे कि आप अपने बालों को काला कर लोगे और बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही नेचुरल है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और सर्च कर करके आप मेरी वीडियो पर आते हो तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, और हाँ लाइक जरूर कीजिएगा जिससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। आप लोग के इतने प्यार भरे कमेंट से, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और हाँ, बाल काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे करना है, तो आपने ठीक वैसे ही करना है, तभी आपके बाल होंगे जड़ से काले, घने और लंबे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको 4 to 5 teaspoon कोकोनट ऑयल डाल दिया है। ये आपके बालों को अच्छी तरह से लंबा करता है, घना करता है और काला करता है। अगर आप रेगुलर इससे मसाज करते हो ना तो बहुत ही अच्छे रहते हैं आपके बालों पर इसका इफेक्ट। और चलिए अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें अपना डालते हैं जो कि है काली मिर्च। काली मिर्च को तो हम पीस के भी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ इसका पानी, या तो फिर आप चाहे तो इसको पानी में बना सकते हो। अगर सर्दियाँ हैं, अगर पानी में आप नहीं बनाना चाहते तो आप इसको बॉयल करके भी लगा सकते हो, आप इसको फ्राई करके भी लगा सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पर आपने 10 से 15 काली मिर्च ले लेनी है और इसमें डाल देनी है। ये भी अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाएगा इसमें, और बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करेगा। काली मिर्च आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम को, इचनेस की प्रॉब्लम को, आपके बालों की डैंड्रफ की प्रॉब्लम को और स्कैल्प में जितने भी प्रॉब्लम है उसको दूर करके ये लंबा घना करता है, काला बनाता है, जड़ से मजबूत करता है, काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है ये। हमने इसमें डालना है रतन जोत। ये बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी होती है, आपके बालों को एकदम कलर करती है, जैसा मन चाहा आकार आप चाहते हो वैसा, और घना लंबा करती है, काफ़ी अच्छी तरह से जड़ से मजबूत करती है और उसे एकदम डेंडर फ्री बनाती है। तो यहाँ पर आपने ज़्यादा इसको नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है। देखिए अब मैंने थोड़ा सा ही डाला और इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करता है। और अब आपने इसमें डालना है भृंगराज पाउडर। देखिए इसका कलर कितना गाढ़ा हो गया, कितनी अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आप चाहो तो इसको मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हो। ये सभी चीज़ें एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाती है आपके बालों को काला करने के लिए। और जस्ट हमने गैस ऑफ कर देनी है। आप इसमें चाहो तो मेहंदी भी डाल सकते हो, नो इश्यू, मगर अभी हम मेहंदी इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी चीज़ें काफ़ी है, इनफ है इतनी चीज़ें। आपकी इच्छा है, आप डालना चाहो तो उसको डाल सकते हो। अब आपने इसको ढक के रख देना है। कोई भी लिड आपने इसमें लगा दीजिए और इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए ताकि जो भी हमारी चीज़ें हैं उसका इन्फ्यूजन इसमें आ जाए। तो देखिए अब ये हमारा ये अच्छी तरह से ठंडा हो चला है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से ठंडा हो चला है और अब हम इसको छान लेंगे। आप चाहो तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हो एटलीस्ट 1 मंथ के लिए, और अगर उसके बाद भी आपकी रेमेडी रह जाए तो आप उसको डिस्कार्ड कर लीजिए क्योंकि फिर वो वर्क नहीं करेगी आपके बालों पर। और आपने इसको कैसे लगाना है, आपने इसको वीकली 3 से 4 बार तो लगाना ही लगाना है, तभी आपको बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट देगा। बस इसको ऐसे छान लीजिए और हमारी रेमेडी रेडी है। आप इसको स्टोर कैसे करना है ये भी बताती हूँ। आपने ये स्टोर करना है किसी भी कंटेनर में, कांच के कंटेनर में। तो ये देखिए, आपने इसको किसी भी कांच के कंटेनर में छानने के बाद स्टोर कर लेना है। ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके बालों पर वर्क करेगा, यकीन मानिए, ये आजमाया हुआ है। और इसमें जितने भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करती हैं।
तो बस इसको यूज कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करेगा। और इसको लगाने के बाद आपने 2 घंटे अपने हेयर पर लगे रहने देना है। उसके बाद आपने सिंपली ये किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है, किसी भी हर्बल शैम्पू से आप वॉश कर लीजिए अपना हेयर। बहुत ही अच्छी तरह से इसको ये वर्क करता है। अगर आप इसको रात को लगा सकते हो तो रात में लगा दीजिए, ये बहुत ही तेजी से वर्क करेगा। 1 मंथ के अंदर आपको ये फर्क देखने को मिल ही जाएगा। कितना अच्छा मैजिकल ऑयल बन करके रेडी है। तो आपने किसी कॉटन की हेल्प से या तो फिर अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से, ये देखिए कितना अच्छा डार्क कलर आया है इसका, उससे आपने अपने बालों पर लगा लेना है। अच्छी तरह से मसाज करते हुए अपनी बालों की जड़ों पर लगा लेना है, हेयर रूट्स पर। इसको लगा के मसाज कीजिए अपने बालों पर अच्छी तरह से और इसको एब्जॉर्ब होने दीजिए अपने हेयर रूट्स पर, जिससे कि आपके बाल काले होंगे, घने होंगे, लंबे होंगे और जड़ से मजबूत रहेंगे। हेयर रूट से लेकर हेयर लैंड तक आपने अच्छी तरह से लगाना है अपने बालों पर। फिर देखिए आपको 1 मंथ के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना कि आप यकीन मानिए। इसको फिर आप बार बार लगा के बनाओगे, बार बार बनाकर लगाओगे। अच्छी तरह से आपने मसाज करनी है। तो आई होप गाइस आप सबको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे न्यू अच्छी इफेक्टिव वीडियो के साथ। और हाँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। न्यू है तो विद बेल आइकन भी दबाइए ताकि जिससे कि मैं अगर कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे न्यू अच्छी इफेक्टिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।